नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। अगली खबर में बात करते हैं कानपुर की, जहां रावतपुर थाना क्षेत्र में गौतम परिवार द्वारा आयकर कर्मी विमलेश गौतम के सब को जिंदा बताकर 1.5 साल तक रखने का खुलासा होने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हैं। लेकिन सबके मन में सवाल उठ रहा है कि 1.5 सालों तक सब सुरक्षित कैसे रहा। मन में उठते सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम सिंह से जानकारी ली। वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम सिंह ने बताया कि यह घटना बेहद असामान्य है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बीमारियों को F24 डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सेयर साइक्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है। अनुमन इस तरह की बीमारियां देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन किन्हीं मामलों में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। संभावना है कि इतने दिनों तक सबको सुरक्षित रखने के लिए परिजनों की ओर से किसी केमिकल या फलों को सुरक्षित रखने वाले रसायन आदि का प्रयोग किया गया हो। जो दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव जो मरीजों को होते हैं, उनकी रिपोर्टिंग हमें इंडियन फार्माकोपिया को करनी पड़ती है। अगर मरीज ही सीधे रिपोर्ट करे तो रिपोर्टिंग ज़्यादा हो सकती है। तो इसको मरीजों को हम लोगों ने जागरूक किया इसमें कि आप, ये टोल फ्री नंबर है, ये मोबाइल ऐप है, इस पर आप डायरेक्ट जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर सेंटर जो गाजियाबाद में है, आप वहाँ फ़ोन से या मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। तो तक 2000 के आसपास मरीजों से डायरेक्ट कांटेक्ट कर चुके हैं, उनको नंबर प्रोवाइड करा चुके हैं कि आप जो भी दवा खा रहे हैं, अगर उससे आपको कोई भी प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है तो आप सीधे रिपोर्ट करें।